नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या लग्न के जो जातक हैं, उनको सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको कुंडली में क्या विशेष रूप से देखना चाहिए जिससे कि उनको सरकारी नौकरी मिल सके या प्राइवेट में भी अच्छी नौकरी मिल सके, उच्च ओहदे पे जा सके, उच्च अधिकारी योग बन सके। इस तरह की कुंडली में देखने के लिए हमें कुंडली विश्लेषण जो हम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे उदाहरण के लिए एक कुंडली हमने लगा के रखी है, इसको आप देख सकते हैं। ये 6 नंबर की कन्या लग्न के जातक हैं। ये पहला भाव है, ये चौथा, ये सातवां, ये दसवां भाव है और ये पांचवां और ये नवा भाव है। तो इसमें हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी जातक चाहता है कि वो शासन में जाए, राज्य अधिकारी बने, सत्ता में जाए और गवर्नमेंट विभागों में काम करें, तो इसलिए जातक को इस कन्या लग्न में किस तरह से घरों को देखना चाहिए उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप देखिए कि कन्या लग्न में जो लग्न भाव का स्वामी है, वो बुध की बात करें तो लग्न भाव का जो स्वामी बुध है वो कुंडली में अच्छी स्थिति में होना चाहिए। उसके बाद में दशम भाव का भी स्वामी बुध ही बनता है, तो लग्न और दशम भाव का स्वामी बुध बन के जहाँ भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए, ये पहले देखना चाहिए। उसके बाद में देखें कि गवर्नमेंट के लिए सूर्य की स्थिति अच्छी होना चाहिए, परंतु यहाँ सूर्य जो 12 भाव का स्वामी है तो 100 राशि में होगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, और 11 भाव में सब ग्रह अच्छे फल देते हैं, तो अगर सूर्य 11 भाव में भी है तो भी अच्छे फल देगा वो। तो इस तरह सूर्य की स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ सूर्य आपका 11 भाव में बैठा है, तो सूर्य जो राज्य का सत्ता का अधिकारी है और ये कारक है दशम भाव का, तो हम जब भी सरकारी नौकरी देखेंगे तो उसमें सूर्य की स्थिति देखना चाहिए कि वो कारक है। और सूर्य अगर आपकी कुंडली में अगर 100 ग्रह है या 11 भाव बैठा है तो वो अच्छी स्थिति है। इसके बाद में कुंडली में हमें ये देखना चाहिए कि जो इसके दूसरे कारक ग्रह हैं, गुरु को देखेंगे तो गुरु की स्थिति कुंडली में अच्छी होना चाहिए। गुरु अगर 100 ग्रह है तो बहुत अच्छा है, अगर चौथे भाव में 100 ग्रह हो जाएगा कि 9 नंबर की राशि धनु राशि में 100 ग्रह होता है, दूसरा 12 नंबर की जो राशि है यहाँ पे गुरु 100 ग्रह होता है, तो आपका गुरु की स्थिति यहाँ केंद्रम बन जाएंगे, 100 ग्रह स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, ये होना चाहिए। जितने भी ग्रह 100 ग्रह होंगे केंद्र त्रिकोण में वो अच्छे फल देंगे, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने कुंडली में 6 नंबर में बुध यहाँ अपने 100 ग्रह होता है, यहाँ पे 3 नंबर में 100 ग्रह हो जाएगा, यहाँ गुरु 100 ग्रह हो जाएगा, यहाँ 12 नंबर में गुरु 100 ग्रह हो जाएगा, यहाँ 10 नंबर में शनि 100 ग्रह हो जाएगा और यहाँ पे 2 नंबर में शुक्र 100 ग्रह हो जाएगा। और मंगल की स्थिति देखें तो मंगल अगर आपका 10 नंबर में जाएगा तो उच्च का हो जाता है, तो मंगल बहुत शासन करना चाहिए, तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे उच्च का अगर मंगल होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मंगल के दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव में जो 10 नंबर की राशि है, तो यहाँ पे उच्च दृष्टि से वो मंगल यहाँ देख रहा है, तो आपको चाहिए कि मंगल की जो स्थिति है वो अगर कुंडली में यहाँ 3 नंबर की जो बुध की राशि है यहाँ मंगल बैठे तो ठीक है, 6 नंबर में मंगल बैठे तो ठीक है, 8 नंबर में 100 ग्रह हो जाएगा वो ठीक है, और 1 नंबर में भी 100 ग्रह हो जाएगा ठीक है, 10 नंबर का उच्च का हो जाएगा वो ठीक है। तो आपके कुंडली में देखिए कि मंगल जो शासन करता है, जब भी आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो मंगल का काम है शासन करना, तो दशम भाव में मंगल की स्थिति को बहुत अच्छा मानते हैं, तो अगर मंगल यहाँ पे 3 नंबर की राशि में बैठेगा तो वो अच्छे फल देगा,
इस तरह से आप देख सकते हैं कि मंगल की स्थिति हमने अभी जो बताई है उस तरह से होना चाहिए। उसके बाद में आप देखिए दूसरे जो कारक ग्रह हैं बुध और शनि है, तो बुध तो हमने बात कर ली है, शनि जो ग्रह है शनि अपनी राशि में बैठे तो बहुत अच्छा है। तो अगर वो यहाँ बैठता है शनि आपकी 10 नंबर की राशि में अपने घर में बैठेगा वो अच्छा है। फिर वो उसकी स्थिति अगर वो यहाँ शनि बैठता है वो भी अच्छी स्थिति में आएगा। यहाँ लग्न में भी शनि बैठेगा तो अपने मित्र के घर में बैठ रहा है वो भी अच्छी स्थिति है। फिर यहाँ 9 नंबर की राशि में भी शनि की स्थिति ठीक रहेगी। इस तरह सौगरी पंचम भाव में भी ठीक है, सौगरी यहाँ पे भी ठीक है। तो इस तरह शनि की स्थिति के शनि क्या आप सेवा देते हैं उसके लिए सर्विस का कारक है, तो शनि की स्थिति को देखते हैं तो शनि की स्थिति आप भी जहाँ जहाँ हमने बताई वहाँ पे होगी तो ये अच्छा है। तो आपने देखा कि किस तरह से लग्न भाव बलवान होना चाहिए, ये सौगरी हो वो अच्छा है, उच्च के हों, बुध उच्च का भी होता है यहाँ पे, तो बुध अगर यहाँ बैठते तो वो उच्च के हो जाएंगे। तो बुध की स्थिति जो हमने बताए वो प्लेसेस पे अच्छी स्थिति बनती है। तो ऐसे कुंडली में बुध को देखिए, बुध सौगरी यहाँ पे है, यहाँ पे उच्च के हैं उसकी स्थिति देखिए। अगर वो यहाँ पे नवम भाव में भी बैठते हैं वो भी एक अच्छी स्थिति है। उसके बाद में वो पंचम भाव में बैठते हैं वो भी अच्छी है। तो बुध की स्थिति केंद्र और त्रिकोण में हमने बताई वो ऐसी रहेगी। तो वो आपकी कुंडली में देखिए वो बुध को बलवान करते हैं। सूर्य के लिए हमने स्थिति बताई, सूर्य का बलवान होना जरूरी है। सरकारी नौकरी चाहिए तो सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो सूर्य हमने बताया यहाँ पे कि भाग्य भाव में लाभ भाव में अच्छा रहता है और यहाँ सौगरी है वो अच्छा रहेगा। फिर अपने मंगल की राशियों में वो अच्छा फल देता है। इस तरह आप जान सकते हैं कि आपके अगर कन्या लग्न है तो आपको कुंडली में देखना है, लग्न देखना है, लग्न का स्वामी को देखना है, आपका दशम भाव को देखना है, दशम भाव के स्वामी को देखना है। तो इसमें बुध है दोनों जगह, तो बुध को देखिए उसकी स्थिति कुंडली में अच्छी है, जो हमने बताया कहाँ कहाँ बैठेगा तो अच्छी स्थिति है। उसके बाद में मंगल जो शासन करता है उसकी स्थिति हमने बताई कि वो कहाँ पे ठीक रहेगा। अगर वो आपकी कुंडली में वो पंचम भाव में उच्च का होकर बैठता है तो बहुत अच्छी स्थिति है वो शासन करने के लिए। इसके पर जहाँ तक बने ग्रह अपने सौगरी होंगे तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से यहाँ पे बुध बैठेगा सौगरी, गुरु यहाँ सौगरी हो जाते हैं, शुक्र यहाँ सौगरी हो जाते हैं। शुक्र की स्थिति यहाँ भी अच्छी है कि ये पंचम भाव का स्वामी होके ये लाभ भाव में बैठा है तो ये भी अच्छी है। चंद्र की स्थिति बहुत अच्छी मजबूत है यहाँ पे। चंद्रमा भी आपका कुंडली में सूर्य चंद्र की स्थिति को हमेशा देखते हैं, तो चंद्रमा यहाँ अपने घर में बैठा है बहुत अच्छी स्थिति में, लाभ की स्थिति में बैठा है। चंद्रमा को आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे सूर्य से कोई ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। तो ये सूर्य से ग्रह कोई अस्त नहीं है यहाँ पे, वो देखिए आपकी कोई जो भी सूर्य के साथ ग्रह है वो अस्त नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे राहु की जो स्थिति है वो भी ठीक ही है क्योंकि 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो कन्या लग्न के जातक के लिए हमने जो जो स्थितियां बताई वो आप देखिए, ये सब ग्रह अपने उच्च राशि में, स्व राशि में, मित्र राशि में हो, दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो, जैसे यहाँ बृहस्पति की युति शनि से हो रही है, शनि भी यहाँ पे नवम भाव में भाग्य भाव में अच्छा फल देता है तो अच्छी स्थिति है इस लग्न के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से गवर्नमेंट जॉब में उन्नति पदोन्नति वगैरह अच्छी पाने के लिए या आपकी प्राइवेट सर्विस में भी आपको उच्च पद पाने के लिए ये स्थितियां अगर बनती है तो आपकी नौकरी अच्छी चलती है। आपने और भी आपको बताया कि जो हमने ये लग्न कुंडली में देखा है यही हमको देखना है नवमांश कुंडली में और दशमांश कुंडली में, D9 और D10 कुंडली में भी यही स्थिति को आप देखिए। और उसमें भी अगर ये सब अच्छी स्थिति में आते हैं तो आपको
ये इसमें और आपके योगों में बढ़ोतरी हो जाएगी, और वो इस तरह से आपको ये काम सरकारी जॉब दिलाने में इसकी मदद मिलेगी आपको, और साथ साथ में आपको उच्च अधिकारी भी बनाएगी। तो आपने देखा कि कन्या लग्न के जातक को जो स्थितियां बताई वो अगर आपकी कुंडली में है तो आपको जरूर सरकारी नौकरी, उच्च पद, प्राइवेट नौकरी में भी अच्छा स्थान, वहाँ पे भी आप शासन करने के लिए मंगल की जरूरत है, सूर्य की जरूरत है, उनकी स्थिति अच्छी होना चाहिए। साथ साथ में कारक ग्रह जो हैं इस कुंडली के, बुध हैं और शुक्र हैं, शनि हैं, उनकी स्थिति अच्छी होना चाहिए। और अगर यही ग्रह अगर आपके छठे आठे बारह भाव में बैठते हैं, नीच राशि में बैठ जाते हैं और उन पे पाप प्रभाव हो जाता है, तो आपको फिर सरकारी नौकरी में बाधाएं होगी। तो ये भी आप देखिए अपनी कुंडली में, तो अच्छे योग होने से ही आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। मैं एस्ट्रोलॉजर हौसीलाल चौरे, मेरा मोबाइल नंबर है 9893234239। अगर आप टेलीफोन परामर्श चाहते हैं तो आप मामूली दक्षिणा देके परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को भी जानकारी दीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।